ओके, सो सबसे पहले मैं मुंबई इंडियंस के फैंस से यही बोलना चाहूंगा कि इस बार रोहित वर्सेस हार्दिक करके अपनी टीम को मत हरवा देना। एक्सेप्ट करो कि ट्रांजिशन इस गेम का पार्ट है और ये चीज कभी ना कभी होनी ही थी। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के रिटेंशन की और अब उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके ऊपर। सो फर्स्ट रिटेंशन जसप्रीत बुमराह का रहा, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुंबई ने रिकॉग्नाइज किया अपने मैच विनर को उनको टॉप रिटेंशन पे रख के। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को दिए 16.35 करोड़ ईच, और पता नहीं क्यों रोहित शर्मा के 5 लाख रुपए काट लिए और उनको रिटेन किया 16.30 करोड़ में। उसके बाद 8 करोड़ में रिटेन किया तिलक वर्मा को। टोटल एक्सपेंस 75 करोड़, लेकिन बचे हैं अभी 45 करोड़। और आरटीएम कार्ड की बात करें तो इनके पास एक कार्ड भी अवेलेबल है। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस ने बहुत ही अच्छे रिटेंशन किए और अपनी कोर ग्रुप को बहुत स्ट्रांगली रिटेन कर लिया है। बॉलिंग में बुमराह, ओपनिंग में रोहित, मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, लोअर ऑर्डर में तिलक वर्मा और बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुंबई इंडियंस ने हर एक डिपार्टमेंट के बेस्ट प्लेयर को अपनी टीम में डाल रखा है और अब उनको बस फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं, क्योंकि अगर इन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है तो ऑब्वियसली इनको सारे मैच खिलाने के हिसाब से ही सोचा जा रहा है। अब अगर हम ओपनिंग में आ जाए तो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके ईशान किशन वापस से उस जगह को भर सकते हैं। ईशान किशन की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और टीम के साथ अच्छे से जेलअप भी है। बाकी डिपेंड करता है ऑक्शन की सिचुएशन में। देखिए, जो भी टीम ज्यादा रिटेंशन लेके गई है, नो डाउट उनके पास पैसे तो कम है, लेकिन अगर उन्होंने कोर बचा लिए तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऑक्शन में जाने के बाद भले ही आपके पास आरटीएम कार्ड हो, लेकिन आप उस प्लेयर को रिटेन कर पाओ ये चीज बिल्कुल श्योर नहीं है। बाकी अगर हम ऑक्शन के अंदर अवेलेबल ओपनर्स की बात करें तो वो है क्विंटन डिकॉक, जॉश बटलर, डेवन कॉनवे, जॉनी बेस्टो, फिल सॉल्ट, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि इतने कंपटीशन के अंदर ईशान किशन उनको अच्छे भाव में जरूर मिल जाएंगे, और टीम चाहे तो इनमें से कोई भी प्लेयर को टारगेट भी कर सकती है, क्योंकि उनके पास 45 करोड़ भी बचे हुए हैं। केएल राहुल को लेने से ओपनिंग के साथ साथ उनका जो विकेट कीपर का स्लॉट ओपन है अभी, वो भी भर जाएगा। नो डाउट ये स्लॉट ईशान किशन भी भर सकते हैं, इसलिए मैं उनको ज्यादा फेवर कर रहा हूँ। वही केएल राहुल को लेने में एक और डाउट ये है कि वो ओपनिंग करना चाहते हैं या फिर मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहते हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं और उसके बाद कोई भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मुंबई को टारगेट करना है, जिसमें श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर और डेविड मिलर जैसे प्लेयर्स को टीम टारगेट कर सकती है। इसके बाद तिलक वर्मा के साथ में एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन और टीम को टारगेट करना है। टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ट के ऊपर भी टीम आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है सिचुएशन के हिसाब से। उसी के साथ साथ मार्कस स्टोइनिस भी ऑक्शन के अंदर अवेलेबल है, तो टीम उनको भी टारगेट कर सकती है। इमेजिन कीजिए हार्दिक पांडे और मार्कस स्टोइनिस एक साथ एक ही टीम के अंदर। लोअर ऑर्डर बैट्समैन के बाद टीम को स्पिनर्स को भी टारगेट करना है, लेकिन इस ऑक्शन के अंदर स्पिनर्स की तो भरमार होगी, तो कोई भी उठाना बड़ा ही आसान हो जाएगा, चाहे वो आर अश्विन जैसे ऑलराउंडर हो या फिर यूजी चहल जैसे स्पेशलिस्ट बोलर। सबके सब सस्ते दामों में उनको मिलते नजर आ सकते हैं। और इसके बाद बुमराह के साथ में एक फास्ट बोलर पे भी टीम की बहुत ज्यादा नजर होगी, जो कि बुमराह के साथ मिलके दूसरी टीम को बिल्कुल चोक कर दे। इस चीज के अंदर मैं ट्रेंट बोल्ट के ऊपर टीम को जाते देख सकता हूँ, और मुझे लगता है मुंबई इंडियंस ऑल इन जाएगी किसी न किसी बोलर को लेके, क्योंकि बैट्समैन तो सारे सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, लेकिन बोलर्स के ऊपर सच में कंपटीशन होने वाला है। इसीलिए 45 करोड़ में से एक बड़ा बजट टीम को एक बोलर के लिए रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि टीम का स्क्वाड 11 प्लेयर का तो नहीं है, 16 प्लेयर्स का है, तो फिर तुम तो 11 ही बता रहे हो। देखिए, हम डिस्कस और फोकस कर रहे हैं बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने पे, और नो डाउट मुंबई इंडियंस ने अपनी कोर को बचा के अपना रास्ता आसान कर दिया है ऑक्शन के अंदर। इसीलिए इन फिल इन द ब्लैंक्स प्लेयर्स के बाद में भी टीम के पास अच्छा खासा बजट होगा अपनी टीम कंप्लीट करने के लिए। सो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे मुंबई इंडियंस जिस पे टारगेट करने वाली है ऑक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, तब तक के लिए दस विदानिया।